जहां एक तरफ इस मतलब की दुनिया में अपने साथ नहीं देते हैं, वहीं पर अमेठी जिले में एक ऐसी संस्था भी है जो लोगों की हर कदम पर मदद कर रही है। उन्हीं में से एक है रहमत फाउंडेशन, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। चाहे खुशी हो या गम, सभी में वो गरीबों की मदद करते हैं। जिले की बाबागंज में रहमत फाउंडेशन में लगातार जरूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला जारी है। हम सब लोग मदद करें और उसी क्रम में रहमत फाउंडेशन लॉकडाउन से शुरू होकर के आज मतलब 1.5-2 साल में एक जुबान बन गई है लोगों की और एक उम्मीद बन गई है हर जरूरतमंद की कि चलिए कुछ नहीं, रहमत फाउंडेशन से चल करके बात करते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ उनके पास समाधान होगा। इसीलिए समस्याओं से लड़ने और उनका समाधान खोजने की कोशिश करने का नाम रहमत फाउंडेशन है। इसलिए जो लोग भी आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रहमत फाउंडेशन से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि इस एरिया में अपने ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि एक ऐसा संगठन हो जो मानवीय अभियान चलाए, जिसका पूरा का पूरा ग्राउंड ही मानवता हो, और इसको रहमत फाउंडेशन ने इस चीज़ को आकर के पूरा किया है। आप सभी का शुक्रिया कि यहाँ पर इतनी दूर आकर के हम लोग आज 50 किलोमीटर दूर खड़े होकर के मदद करने वाले बन रहे हैं। रहमत फाउंडेशन ने यह दिया है, रहमत फाउंडेशन का शुक्रिया, उसके सभी पदाधिकारी और ख़ास तौर से जो हमारी यहाँ मुसाफिर खाना की टीम है, राज बहादुर भाई, उदय राज भाई, लल्लन चाचा, मोहम्मद यूनुस, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अबरार भाई जो कि इस तरफ ज़्यादातर देख रेख में रहते हैं, इनका और जो भी हमारी टीम इस तरफ खड़ी होती जा रही है, उन सभी का इसमें स्वागत है। और एक दिन आएगा जब लोग रहमत फाउंडेशन को अपनी फाउंडेशन, अपनी कमेटी मान करके आएंगे और जुड़ेंगे और मदद करने वाले बनेंगे, क्योंकि ये जज्बात को जगाने का एक माध्यम है। इसीलिए रहमत फाउंडेशन का स्लोगन है, सेव वंस सेव ह्यूमंस, एक की मदद हर एक की मदद। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। अमेठी के तहसील मुसाफिर खाना क्षेत्र के प्रतापगंज और रस्तामऊ ग्राम सभा में दो गरीब बेटियों की शादी में फाउंडेशन की तरफ से उपहार दिया गया, जिसके बाद प्रवक्ता कासिम दरगाही ने बताया, कोरोना काल से लेकर अब तक फाउंडेशन की तरफ से बिना किसी भेदभाव के निरंतर लोगों की मदद करने का सिलसिला जारी है। वहीं रियासत दरगाही ने बताया कि कोरोना काल में जब लोग परेशान हाल थे, तब हम लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कुल मिलाकर 10 से 12 लोग जुड़े थे, और आज कमेटी का काम देखते हुए हमारे साथ 150 लोग जुड़ चुके हैं। कमेटी की तरफ से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और गरीब बेटियों की शादी में मदद की जाती, हम सभी लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा पानी के साथ साथ और भी कई समस्याओं को दूर करने के लिए कमेटी प्रयासरत। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।